After discussing auto story class, now next one is register story class in C language. As we are discussing in previous cases, register story classes are almost similar to auto story classes. So most of property of register story class is similar to auto story classes, excepting only one difference. What is the difference? Auto variables create on the inside stack mode. That's why we can access address of auto variables. But register variables are created inside CPU memory or CPU registers. That's why we cannot access memory address of register variables. Because CPU memory के केसेस में बात करें, CPU memory का कभी भी कोई address नहीं होता है. CPU memory कभी भी किसी भी address के साथ bound नहीं होता है. Because CPU memory will be accessed by using register names. That's why we cannot access a memory address of register variables. First things. Next things. रजिस्टर का अगर कोई वेरिएबल कोई भी एड्रेस नहीं था इसलिए रजिस्टर वेरिएबल्स के साथ एम्परसेंट ऑपरेटर अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट थिंग, सिंस सीपीयू रजिस्टर्स आर लिमिटेड मेमोरी लोकेशंस, मींस किसी भी सिस्टम के रिस्पेक्ट में बात करें तो किसी सिस्टम के पास या तो 16 बिट रजिस्टर 16 रजिस्टर्स पॉसिबल हो सकते हैं या 32 रजिस्टर्स या 64 एंड सो ऑन. रजिस्टर्स आर लिमिटेड मेमोरी लोकेशंस. सपोज दैट अगर किसी वेरिएबल का टाइप रजिस्टर है, रजिस्टर्स के केस में ऑपरेटिंग सिस्टम रजिस्टर वेरिएबल्स के लिए सबसे पहले मेमोरी स्पेस सर्च करेगा इनसाइड सीपीयू रजिस्टर मेमोरी. अगर सीपीयू रजिस्टर ऑलरेडी रिजेक्टेड है तो इस केस में रजिस्टर वेरिएबल्स भी क्रिएट होंगे इनसाइड स्टैक मेमोरी. इफ सीपीयू मेमोरी इज ऑलरेडी रिजेक्टेड, इन दैट केस रजिस्टर वेरिएबल्स आर ऑल्सो क्रिएटेड इनसाइड स्टैक मेमोरी. इन दैट केस रजिस्टर वेरिएबल एग्जैक्टली एक्ट्स लाइक अ स्टैक एरिया, एक्ट्स लाइक अ एग्जैक्टली सेम एज ऑटो वेरिएबल्स. Let's see one by one all points. It is almost similar to auto. Allowed only for local variables. This type of auto variables only local variables or local declarations के लिए applicable. Similarly, register variables only local variables के साथ apply करना possible. Default value is garbage. Exactly same as auto. Auto case में default value का also garbage. Created inside CPU memory or register memory. If register memory is already full, in that case register variables also created inside stack. In that case, register variables also acts like a auto variables. It can be accessed inside current or inner blocks. Means scope की बात करें तो scope भी क्या almost same as auto variables. Auto variables only within a block access करना possible. Similarly, register variables भी केवल block के अंदर access करना possible. Outside block access करना possible नहीं हुआ. Next point. मेमोरी, वेन एवर मेमोरी एलोकेशन इज परफॉर्म फॉर रजिस्टर वेरिएबल्स, रजिस्टर वेरिएबल्स आर क्रिएटेड वेन एवर एग्जीक्यूशन कंट्रोल कम्स इन साइड ब्लॉक सेम एज स्टैक. मीन्स मोस्टली सारे के सारे पॉइंट कैसे सेम एज ऑटो स्टोरेज क्लास. नेक्स्ट थिंग्स, एग्जैक्टली इस केस में अगर किसी वेरिएबल का टाइप डिफाइन किया जाए रजिस्टर, रजिस्टर इंटेक्स, सपोज दैट सम लोकल वेरिएबल्स लाइक दैट. x की बात करें, अगर x में कोई वैल्यू असाइन नहीं किया, देन x का अगर वैल्यू एक्सेस करने के लिए ट्राई करें, देन बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा गार्बेज. डिफॉल्ट वैल्यू इज आल्सो गार्बेज, परसेंट यू और x, इट इज वैलिड. बट सपोज दैट अगर मैं डिस्प्ले कर रहा था एड्रेस ऑफ x, इट इज इनवैलिड बिकॉज रजिस्टर वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस एक्सेस करना पॉसिबल. दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी सप्लाइड एज अ फंक्शन आर्गुमेंट एज अ कॉल बाई रेफरेंस. सपोज दैट किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में लाइक एम वन सप्लाई किया एक्स, इसके साथ फंक्शन कॉलिंग का टाइप क्या कॉल बाई वैल्यू, दैट्स व्हाई इट इज वैलिड. ठीक है, रजिस्टर वेरिएबल्स कॉल बाई रेफरेंस में यूज करना पॉसिबल नहीं, एड्रेस ऑफ एक्स इट इज इनवैलिड फंक्शन कॉलिंग रिगार्डिंग रजिस्टर वेरिएबल्स. सेम है रजिस्टर वेरिएबल्स के लिए स्कैनर फंक्शन के थ्रू कभी भी वैल्यू रीड करना पॉसिबल नहीं बिकॉज स्कैनएफ में भी रिक्वायर्ड किया हुआ एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स, हेंस वी कैन नॉट read value for register variables using scanf. That's our different points. Next case, किस केस में register value define करना चाहिए, किस केस में auto, because दोनों का type क्या है, both are applicable only for local variables. Then in which case we are going for register storage classes. Performance के point of view से बात करें, it will provides high performance over the other storage classes. Other storage classes के respect में highly performance कौन provide करेगा, register variables. Let's see some examples. It will provides high performance over the other case because
ऑलरेडी क्लियर है। किसी भी जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दें ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन और बिफोर एग्जीक्यूशन ऑल एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस आर अवेलेबल इनसाइड हार्ड डिस्क मेमोरी और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शंस आर लोडेड इनसाइड रैम मेमोरी। जब भी कोई इंस्ट्रक्शंस एक्सेस होगा एक्सेस क्या होगा इनसाइड प्रोसेसर प्रोसेसर के किस में यूज किया उसमें मेमोरी लोकेशंस। फॉर एग्जांपल्स अगर कोई प्रोग्राम है लाइक रिजल्ट इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई सबसे पहले इंस्ट्रक्शन लोड करेंगे फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम इन द फॉर्म ऑफ मशीन कोड। सपोज दैट सीपीयू या स्टैक एरिया के अंदर थ्री वेरिएबल्स क्रिएट हुए रिजल्ट एक्स एंड वाई वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज समथिंग 10 20 सम एजम्पशंस इन दैट केस। जब इसे एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करेंगे किस टाइप से एक्सेस होगा सबसे पहले इस केस में परफॉर्म किया हो रहा है एडिशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्स वाई के एडिशन परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा प्रोसेसर और वी कैन से ए एल यू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के रिस्पेक्ट में एडिशन परफॉर्म करने के लिए एडिशन के लिए टोटल ऑपरेंड्स कितने रिक्वायर्ड है टू ऑपरेंड सबसे पहले एक्स का वैल्यू एक्स और वाई की बात करें तो एक्स और वाई के वैल्यूज करेंटली अवेलेबल का इनसाइड रैम मेमोरी लेकिन एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल का एडिशन कौन कराएगा ए एल यू इसलिए इनका वैल्यू अवेलेबल का होना चाहिए ऑपरेंड्स विल बी अवेलेबल इनसाइड सी पी मेमोरी। तो सबसे पहले एक्स का वैल्यू कॉपी का हो जाए इनसाइड दैट रजिस्टर समथिंग ए एक्स बी एक्स सी एक्स लाइक दिस सम रजिस्टर नेम्स ए एक्स में कॉपी का हो जाएगा समथिंग वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड मे बी वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑपरेंड लाइक 10 20 देन इसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा रिजल्ट आसान किस्म होगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर एडिशन इन दोनों का एडिशन किस में आसान हो जाए समथिंग अदर रजिस्टर कॉल्ड एज सी एक्स और एनी नेम मे बी अंडरस्कोर एक्स आसान किया जाए 30 देन फाइनली रिजल्ट किस में कॉपी होगा वेरिएबल रिजल्ट में लाइक दैट। तो फाइनली किसी भी वेरिएबल का वैल्यू रियल में रिक्वायर्ड का है इन साइड सी पी यू मेमोरी जब तक सी पी यू के पास किसी वेरिएबल का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं वेरिएबल का वैल्यू एक्सेस करना पॉसिबल नहीं। बट सपोज दैट अगर ये वेरिएबल्स रिजल्ट एक्स वाई रैम मेमोरी में क्रिएट ना करें अगर ये डायरेक्टली रजिस्टर मेमोरी में क्रिएट किए जाएं लाइक दैट सम एक्स वाई और रिजल्ट अगर ये डायरेक्टली ऑलरेडी रजिस्टर मेमोरी में अवेलेबल इन प्लेस ऑफ रैम मेमोरी देन सीपीयू के लिए जब भी एक्स और वाई का वैल्यू रिक्वायर्ड होगा देन कभी भी रैम मेमोरी में सर्च करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल किस प्लेस पर इनसाइड सीपी मेमोरी इसलिए इस केस में इनका एक्सेस टाइम क्या था फास्ट कंपेयर टू अदर केस मींस अगर कोई भी वेरिएबल फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा बार बार मोर देन वन टाइम्स और मल्टीपल टाइम्स इस केस में वेरिएबल्स का टाइप डिफाइन करना चाहिए एज अ रजिस्टर दिस इज द यूज ऑफ रजिस्टर स्टोरेज क्लास बिकॉज इट विल प्रोवाइड्स हाई परफॉर्मेंस ओवर द अदर स्टोरेज क्लासेस रिमेनिंग पॉइंट्स।